एक और स्टार अनाइचा। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, ये कम्प्लीटली टच है। और टच ओके, तो आप क्या करने वाले हो अभी? ओह हेलो, आप क्या करने वाले हो अभी? मैं पता नहीं कौन है। जी। ये भी करने वाले हैं? हाँ, मैं जींस पहन के कर रहा हूँ। ये खाना खाने वाले हैं सर। अच्छा, एक चीज और बता दे क्या? नहीं लेना। यहाँ पर प्री वर्कआउट मील मिलती है जिसमें मोमोज होते हैं। हाँ होते हैं। और ग्रेवी मोमोज होते हैं। हाँ होते हैं। आइसक्रीम शेक होता है। आइसक्रीम शेक होता है उसमें, लेकिन आइसक्रीम ही होती है। किसने बोला है? मैंने बोला है। निकाल के हम लोग पहले निकाल देते हैं। मोमोज इसलिए होते हैं क्योंकि हेल्दी मोमोज भी आते हैं डाइट में, जो डाइट फॉलो करते हैं उनको पता होता है। हेल्दी मोमोज जिसमें हाफ पूरा बाउल क्रीम से भरा होता है, बट क्रीम हम खाते नहीं ना। अच्छा, एक्चुअली शिवम भाई सच बताएंगे, मैंने तो मोमोज ही नहीं देखे जो आए हैं। रेडी है भाई? हाथ तो धो कर लो। हां हम चलो स्टार्ट करते हैं। अभी उधर से तो हट लो भाई, उन लोग तो जा रहे तो घुमा रहे तब तक हटिए। चलो 2-3 स्टार्ट। इतना ही कर, इतना मतलब हाथ तो ऊपर जाते हैं। कैसे लोग टाइम बचा रहे हैं? गुस्सा ये भरे पड़े हैं कि मेरे से पहले ना जीत जाए इनको भाई। हैरान है बस। नहीं, इसमें तो क्या कर रहे हैं? एक मिनट तो कर रहे हैं। हाथ में से करो ऊपर। ये क्या है? ये क्या है? हाथ में जाएंगे ऊपर? ऐसे ऐसे तो नहीं करना। हमसे चलो चलो पांच पच्चीस कर लो। वो कर भी नहीं आओगे। फोर चलो 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 पुश पुश। जब बढ़िया डांस है, डांस है। अरे मैं तुम जीत गए। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम जीत गए। फाइव सिक्स बिग बिग बली, इनका पेट तो दिखा दो भाई साहब। ये लॉकडाउन तो पहले ऐप थी, हाँ दोबारा बनने। अभी हो गया फिट सिंह विद बिग फैट बली। बिग फैट बली कैसा लगा हार के? अब तो रिजल्ट आपने खुद ही देख लिया अपने आंखों के सामने। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मजा ही आ गया। एक्चुअली क्या, देखो हमारी सिखाई हुई चीजें अगर बड़ा भाई जल्दी कर रहे तो एक ना गुरु को और अच्छा लगता है। जेन्युइन सच्चाई वाली बात है। दो गुरु हैं वहां पे, एक शुभम और एक मैं। तो जब एक चेला सीख रहा होता है ना चीजें और वो गुरु से अच्छी करने लग जाए तो गुरु को बहुत खुशी होती है। मेरा हाथ टूटा हुआ था। मैंने थोड़ी देर पहले ना मैं हाथ मारा था ऐसे खड़ा हुआ, तो मैंने भी क्या टूट गया बीच में, तो देखा भाई का पेट। The next day. तो ना बहुत दिनों बाद एक ऐसी कार देखी जिसका व्लॉग बनाने का लिटरली मन कर गया, और ये खड़ी है एक रेंज रोवर इवोक। तो ये रही की, एंड अगेन स्पेशल की फॉर द स्पेशल कार विद स्पेशल लाइट्स। ओ आई रियली लव द लाइट्स। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है 2020। ये कार अगर आपको परचेज़ करनी हो तो अवेलेबल है ऑटो बेस्ट इम्पीरियो पे। किलोमीटर भी अंदर से और अच्छे से दिखाता हूँ। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो कलर है ना ये बहुत डिफरेंट है। मतलब ये वाला कलर तो खैर मुझे पता ही नहीं कौन सा टोन है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा गोल्डन ट्रिम्स विद ब्लैक हेडलैम्प। तो भाई जितने शार्प इसके हैं ना उतने किसी कार के हो भी नहीं सकते। एंड ओ माई गॉड,
लुक एट दिस, मतलब हर जगह जो डिटेलिंग है ना वो डिटेलिंग बहुत ही डिफरेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ अब इवोक में ये वाले आए 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 है ना, क्लासी चीज़, बिल्कुल सुपर क्लासी। एंड टेल लैम्प देख के तो सीरियसली मज़ा आ जाएगा आपको। ज़रा पीछे के लुक्स देखो इसके, यहाँ पे बीच में रेंज रोवर लिखा हुआ, टेल लैम्प्स बहुत ही स्पेशल। थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ एक बार, एंड देखो ज़रा कितने 3D 4D 5D क्या कहेंगे इसको मुझे नहीं पता। नीचे क्वाड टिप एग्जॉस्ट विद नीचे का जो डिफ्यूज़र है वो भी बहुत डिफरेंट है, बीच में ग्रे कलर। लुक्स में आई डोंट नो ये क्या करते हैं, मतलब रेंज रोवर एक ऐसी कंपनी है और जिसके लुक्स की तो खैर मैं क्या ही बात करूं। प्लस अगर एक्चुअल में बात करें इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर ना बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, बिल्कुल मतलब पूरा चेंज कर दिया। मेरे बाल बड़े उजड़े हुए से लग रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। तो एक बार हेयर कट कराने चलेंगे दोबारा जल्दी। और अब देखो इंटीरियर, यार क्या इंटीरियर है यार इस कार का यार। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन दिख रही है ना ये कम्प्लीटली टच है, और टच के साथ ही आप सब कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे भी एक और LCD, तो मेरे ख्याल से ये LCD है। और यहाँ पे भी ये कम्प्लीट टच पैनल स्टीयरिंग पे, प्लस इधर भी TFT स्क्रीन है। तो एवरीवेयर यू विल सी अ स्क्रीन एंड सब कुछ टच है, तो अमेजिंग। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई ये चले अपन कार के अंदर, और ऐसा दिखता है कुछ स्टेयरिंग इसका। मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ, और यहाँ से देखो सेंटर कंसोल। ओए होए 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 होए, मज़ा ही आ गया मुझे देख के, स्पेशली यहाँ पे पैनोरमिक सनरूफ। और इंटीरियर बहुत ही क्लासी सा, यहाँ पे बीच में पियानो फिनिश, AC वेंट्स भी बहुत स्लीक कर दिए हैं। तो इस कार की ना एक खासियत है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्लीक कर दिया है। एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी सीट्स भी दिख रही हैं मुझे, यहाँ पे कंट्रोल्स भी दिख रहे हैं, प्लस अब स्टार्ट करना तो बनता है। तो कार का स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यहाँ पे। ओए तेरी क्या बात है। तो अब देखो ये सारे विजिबल हो गए। तो एक्चुअली में ये लाइट्स हैं अंदर से, जो लाइट्स विजिबल हो गई हैं। और यहाँ पे ये अगेन स्क्रीन आ गई है, दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली टच स्क्रीन। टच बहुत ही अमेजिंग है, वेरी स्मूथ, वेरी वेरी स्मूथ, मतलब ये सुपर बटरी स्मूथ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल जो पुरानी वाली कार्स आती थी जैसे जिनमें टच वगैरह यूज़ करते थे ना, तो स्मूथ कभी भी नहीं होता था। यहाँ पे अगर कंट्रोल्स भी देखने हैं तो ये कम्प्लीट AC कंट्रोल्स। तो कोई भी चीज़ अगर आपको यूज़ करनी है तो वैसे तो ये यहाँ से भी बढ़ रहा है, AC ऑन AC ऑफ। अरे हाय यार मज़ा आ गया। तो यहाँ पे ये ड्राइव ट्रेंस, मतलब आप किसी भी तरह के ड्राइव अगर आप चलाना चाहो किसी भी सरफेस पे तो आप चला सकते हो। यहाँ पे ये सैंड आ गया, देन मड रट्स, मतलब जहाँ पे ग्रेवल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे चलानी हो। देन ये आ गया ग्रास ग्रेवल स्नो, तो स्नो पे भी अगर आप इसको चलाओगे तो बिल्कुल स्किट नहीं करेगी गाड़ी और प्रॉपर चलती रहेगी। कंफर्ट, मतलब हमेशा कंफर्ट मोड पे आप कभी भी चला सकते हो किसी भी टाइप के सरफेस पे। इको ले लोगे तो एवरेज ही एवरेज देगी। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँ, इस कार की एवरेज कितनी है। इस कार की प्रैक्टिकली सिटी एवरेज है 14-15, मतलब एक SUV कार की एवरेज 14-15 इन सिटी इज लाइक इनसेन, सीरियसली इनसेन। हाईवे पे भी अगर आप इसको लेके जाओगे तो प्रैक्टिकली एवरेज देगी 19-20 की एवरेज एक लग्जरी कार की, और क्या चाहिए। तो मेंटेनेंस वाइज भी ये कार कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती। वैसे तो आजकल जो सर्विस पैक्स और वारंटी पैक्स इनके आ गए हैं वो इतने ज़बरदस्त आ गए हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3-3 साल 5-5 साल के सर्विस पैक्स हर कोई खरीद के या परचेस करते टाइम ही ले लेता है, एंड उसके बाद कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3-5 साल तक तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको कैसे मेंटेन करना है या कितने पैसे लगने वाले हैं। ये देखो कोई जा रहा है फुल स्पीड में, पता भी नहीं है उसको मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। तो एनीवेज एक बार कार के अंदर पीछे बैठ के देख लेते हैं कि स्पेस कैसी है। और इसके अंदर स्पीकर्स, जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है वो लगा हुआ है मेरिडियन का, तो साउंड तो होगी इसकी गजब की, बट अपन साउंड चला नहीं पाएंगे क्योंकि साउंड चलाने में ना बहुत टेंशन होती है। टेंशन मतलब कि टाइम बहुत लगता है, पहले उसको सिंक्रोनाइज करो, ब्लूटूथ कनेक्ट करो, फिर एक ऐसा म्यूज़िक चलाओ जिस पे कॉपीराइट नहीं आता, और जो भी म्यूज़िक चलाओ उसमें मज़ा ही नहीं आता। नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक में कभी भी मज़ा आता ही नहीं है सुनने में। म्यूज़िक सिस्टम
तो इसलिए म्यूजिक से मैं सुनाता नहीं हूँ, बट समझ जाओ म्यूजिक होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। एंड कार के जो हैंडल्स हैं ना, ये मुझे वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसी दिखती है कार पीछे से कुछ कुछ कुछ। अब यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आई डोंट नो क्या है। वैसे ये स्क्रीन लगाने वाला है, कभी भी अगर इसके अंदर रियर एंटरटेनमेंट लगाना हो तो सीधा सीधा लग जाएगा, कोई कटिंग पेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं। लेग रूम देख लेते हैं। तो यार यस, लेग रूम इज़ ग्रेट। लेग रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है कार के अंदर, और पीछे बैठ के भी मुझे उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मैं आगे बैठ के इस कार को इंजॉय कर रहा था। बूट स्पेस चेक कर लेते हैं, प्लस जो पैनोरामिक सनरूफ है ना वो तो देखो। इतनी बड़ी जब सनरूफ होती है ना कार में, तो कहीं ना कहीं ना मतलब कार बहुत रूमी लगती है, बहुत लाइट होती है कार के अंदर। तो लाइट ज़्यादा होती है तो ऐसा लगता है कि बड़े आप आराम से बैठे हो, खुले खुले बैठे हो, और आपको कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि आप एक छोटी गाड़ी में बैठे हो। तो वैसे ये कार छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, मिड साइज SUV कहते हैं इसको। एंड दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल SUV ऑफ रेंज रोवर। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पहले भी बहुत पसंद थी, और अब तो जब से ये लेटेस्ट आ गई है तब से और भी अमेजिंग हो गई है। तो बूट खोलते हैं इसका। ओए होए, इलेक्ट्रिक टेल गेट भी है इसके अंदर, एंड बूट स्पेस भी देख लो, काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस पर आराम से बैठ सकते हो दो जने, एंड गपशप मार सकते हो, या आप अगर कभी ट्रेवल करने भी जाओ तो ईजिली बैठ के और मज़े से आप इंजॉय कर सकते हो व्यू को। तो मेरा व्यू जो अभी है ना, वो व्यू भी बड़ा फैंटास्टिक सा है, एक बार व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखो व्यू, ऐसा व्यू तो हमेशा मतलब मैं ज़िंदगी भर देख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे खड़ी अपनी वायरल, वायरल को जल्दी चल देंगे एक दिन राइड पे लेके। अभी वायरस का कुछ नया सामान आ चुका है, वो सामान मेरे को लगवाने जाना है, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा। स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी चला जाऊँ उसको लगवाने के लिए। यहाँ पे आ गए कुछ बड़े बड़े लोग। #52G आशीर्वाद दे दीजिए, चरण स्पर्श। तो आज इनको मैं करा के लाया हूँ एक कार की ड्राइव, वो है R8। उसका वीडियो देखना हो तो 9 बजे इनके चैनल पे आने वाला है, देख लेना, बहुत ही एक्साइटिंग सी है। और मेरे शूज कैसे लग रहे हैं? तो इन्होंने लिए नए रिबॉक के शूज एक्चुअल में अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। उछलती दो कोई बात नहीं, डांस कर लो ऐसे रिंग रिंग के, वो नहीं, वो ऐसे साफ बन के। चलो अंदर ऑफिस में कट लो आप। तो ये रहा इसका बटन, और ये दबा दिया, और ये हो गई बंद। यार सीरियसली यार, मजा आ गया मुझे एक कार देख के, स्पेशली आई लव द लाइट्स। यस, तो सच बताऊं, बातों में मतलब मैं खो गया, और खोने के बाद एक चीज भूल गया बताना कि ये कितने किलोमीटर चली हुई है। तो ये कार चली हुई है सिर्फ और सिर्फ 2,951 किलोमीटर ओनली। तो ये कार अवेलेबल है ऑटो बेस्ट इम्पीरियो पे, किसी को भी लेनी हो तो परचेज कर सकते हैं अपने ही शोरूम ऑटो बेस्ट इम्पीरियो, नंबर 8885888866। तो यहाँ पे देव, और ये कितने ध्यान से देखते हुए गाड़ी देख रहा हूं। तो इरफान भाई बिल्कुल ध्यान से देखते हुए। तो इरफान भाई को जो नहीं जानते हैं, जा सकते हो माय कंट्री माय राइड के चैनल पे, और इनके काफी सारे वीडियोस अपने चैनल पे आते रहते हैं, मतलब अपने चैनल पे नहीं, इनके चैनल पे काफी सारे वीडियोस हमारे आते रहते हैं। सब अपना ही है, एक ही बात है, वैसे सब अपना ही है, हमने कभी बाहर का समझा भी नहीं। वी आर लाइक अ फैमिली, ही इज लाइक एल्डर ब्रदर टू मी, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई। मैं लेट जाऊंगा। तो आज कौन सी गाड़ी कवर करने वाले आज भाई? इवोक कर रहे हैं 2020। तो भाई करने आए इवोक। अगर इसका पूरा डिटेल देखनी हो ना, मतलब पूरी एक्सट्रीम डिटेल, तो इनके चैनल पे जाके देख लेना। मेरे चैनल पे आजकल डिटेल बंद कर दी मैंने। अपन मस्ती करते रहते हैं आजकल मैं मस्ती वाले व्लॉग्स में आ गया हूँ। अब गाड़ियाँ कार्स बाइक्स आती हैं, बट विथ मस्ती। नो कम्प्लीट डेडिकेटेड वीडियो इनके चैनल पे जाके देखो भाई, क्योंकि क्या सब कुछ सब जने एक जैसा करते रहेंगे तो अजीब समझ जाएगा, वो बहुत अजीब हो जाता है, मतलब ऑडियंस भी बोर हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मस्ती चालू कर देता हूँ। सही है, मैं मस्ती कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ वैसे अमन भाई के घर, और अमन भाई को पिक करके उसके बाद
कहीं एक स्पेशल जगह पे जाना है तो अमन भाई से मिलके थोड़ा सा, एक तो ही इज़ वेरी फनी, मतलब उनके साथ मिलके हमेशा मज़ा आ जाता है, एंड उनके पास चलते हैं, उनके साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, प्लस कार कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इवोक आई रियली लव्ड इट, और स्पेशली मतलब 2000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, अजीब सी बात नहीं है थोड़ी सी, बट एक्चुअल में ऐसी अजीब सी बातें अपने साथ में होती रहती हैं, क्योंकि अपन कार्स जो प्रिक्योर करते हैं वो प्रिक्योर करते हैं कुछ ऐसी सोर्सिंग के थ्रू और ऐसी जगहों से जहाँ पे मतलब बेनिफिट्स हमेशा हमें मिल ही जाते हैं। तो ये आ गए अपन R8 से बिल्कुल सीधा बैक टू बेसिक पे। तो R8 चलाई थी आज मैंने, उसका ब्लॉग सीधा सुपरबाइक करके चैनल पे, और अपन आ गए रोड पे। तो रोड जा रही है कहाँ, रोड जा रही है अमन भाई के घर पे। तो अमन भाई के घर चलते हैं और उनको पिक करते हैं। A few moments later. ऊपर तो ये है भाई कोको, ये मैं ना जब भी आता हूँ इतना प्यार आ जाता है इसको, इतना अच्छा प्यार आ जाता है। ऐसे देखो शक्ल तो दिखा दो, शक्ल तो दिखा दो। अच्छा ओ मेरी उंगली है, मेरी उंगली से बात थी। अच्छा जाओ तो हमारे घर की एक और स्टार Hello baby. तो इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत क्यूट क्यूट वीडियोस और बहुत क्यूट क्यूट फोटोज। तो अधूरी कहानी मोटो पार्ट 1 है ये, और काफी लोग मेरे से कमेंट्स में कह रहे थे कि ये बना दूं मैं, तो दिस इज AK1, अब इसको कहेंगे अधूरी कहानी मोटो, AK Moto 1। तो अधूरी कहानी जिन्होंने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, अधूरी कहानी के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें 10 वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं। तो बाइकिंग एक हर बच्चे का सपना होता है वैसे तो ये सपना शुरू हुआ काफ़ी जब मैं यंग था तब से, एंड सबसे पहली जो मैंने ली दैट वॉज हीरो पुक, जो मैंने अपने पैसों से कह लो कि ली थी मेरे खुद के पैसों से। तो हीरो पुक एक मोपेड आती थी जिसमें 2 गियर होते थे, और वो एक बाइक से कोई कम नहीं होती थी, मतलब वो बाइक तो नहीं कह सकते उसको, पर किसी भी बाइक से कम नहीं होती थी, 2 स्ट्रोक होती थी, अराउंड 65 cc, एंड बहुत ज़बरदस्त चलती थी। जो पुराने लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि किस टाइप की मैं मोपेड की बात कर रहा हूँ, उसमें 2 गियर भी होते थे ऊपर नीचे, एंड अमेजिंग होती थी बड़ी चलाने में, बिल्कुल मज़ेदार। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, वो शोर की चिंता मत करना क्योंकि ऊपर अनायशा खेल रही है, और बच्चे को खेलते हुए अपन नहीं रोक सकते, मैं रुक जाऊंगा पर वो नहीं रुकने वाली, तो उसकी आवाज़ भी नहीं रोक सकते किसी तरीके से। तो अभी मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस कर लो, उसकी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कर लो। एनीवेज मोटो ऐसे शुरू हुआ कि वहाँ से मैंने हीरो बुक खरीदी, और उस टाइम पे यंग स्टूडेंट्स की जैसे आजकल एक्टिवा होता है तो उस टाइम पे वो मोपेड हुआ करती थी, एंड वो मैंने ले ली बड़ी मुश्किल से, करीब 16,000 रुपये की आती थी, एंड ये आ गई कोको मेरे पास में। कोको इधर आ जाओ, तो मैंने वो ले ली, एंड वो लेने के बाद मतलब मैंने उस पर बहुत मस्ती की। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट मोपेड वॉज कि उसमें ना पीछे साइलेंसर पे एक ढक्कन होता था, वो एक नट खोलो और वो नट खोलते ही वो ढक्कन निकाल लो, और उसकी आवाज़ हो जाती थी बिल्कुल एक बाइक से भी लाउड, इतनी लाउड कि मतलब कान फाड़ दे लिटरली। तो उस टाइम पे बहुत चलती थी, बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत टाइम वो इन्जॉय की, एंड फर्स्ट बाइक जो मैंने ली वो थी RX 100, जो मेरे को गिफ्ट की थी मेरे जीजू ने, एंड वहाँ से मेरी बाइकिंग शुरू हुई एक्चुअल में। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको और लंबा नहीं खींचेंगे, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कहीं से भी हम शुरू करें, कैसे भी हम शुरू करें, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम कितना लंबा चलने वाले हैं और कितना उसको अच्छे तरीके से ग्रो करने वाले हैं। तो जो भी कमेंट्स करते हैं ना कि मतलब ये पैसे वाले हैं और ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो भाई देखो जिन्होंने अधूरी कहानी नहीं देखी है वो ये ज़रूर बोल सकते हैं, बट जिन्होंने अधूरी कहानी देखी हुई है उनको ज़रूर पता है कि ये कितनी मेहनत से और कितने सालों की मेहनत से कमाया गया है, इतना ईजी नहीं होता। तो मेरी भी स्टार्टिंग एक मोपेड से हुई थी, 65 cc की मोपेड, एंड अब आज तो जो जो है वो आप सब लोगों को पता ही है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट मतलब कल, उसमें थोड़ा सा बाइकिंग को और डिटेल में बताऊँगा। आज मैंने वीडियो को लंबा नहीं खींचा क्योंकि मैं खींचना नहीं चाहता। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू योर फैमिली।